हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एच एस प्रिप्रेशन विद प्रदीप और फ्रेंड्स आज मैं शुरू कर रहा हूँ आपको फंडामेंटल राइट्स हैं उसका फोर्थ पार्ट है फ्रेंड्स इससे पहले मैंने आपको फ्रेंड्स जो तीन जो पार्ट्स हैं ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको फंडामेंटल राइट्स का क्योंकि फ्रेंड्स जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं ये इट ये जो है आपको एग्ज़ाम में नहीं जो आपकी जिन आपकी डेली लाइफ है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है तो बहुत से जो कैंडिडेट्स हैं उनको बहुत कन्फ्यूजन होता है कि किस तरह जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कैसे पढ़ा जाए और जो एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है तो किस तरह उसको जो अटैम्प्ट किया जाए तो फ्रेंड्स दिस इज आई अफर टू डिकोड द फंडामेंटल राइट्स बट इन इफ यू आर अपेयरिंग इन एनी ऑफ द एग्जाम डेफिनेटली यू विल कम विद फ्लाइंग कलर्स इफ यू गो थ्रू दिस मैथड ठीक है फ्रेंड्स तो so, इससे पहले फ्रेंड्स आई स्टार्ट माई लेक्चर मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि फ्रेंड्स ये फंड फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो आप चाहे आप लेट यू आर अपेयरिंग फॉर आई ए एस एग्ज़ाम और एनी स्टेट पी सी एस एग्जाम और एनी अदर एग्जाम्स ऑफ द गवर्नमेंट्स गवर्नमेंट्स इन हिमाचल प्रदेश और इन एनी स्टेट और इन इन सेंट्रल लेवल यू विल गेट डेफिनेटली वन और टू क्वेश्चन आउट ऑफ दिस ठीक है फ्रेंड्स और स्पेशली फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता है कि आजकल जो न्यूज़ में चल रहा है फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन वाला जो ट्विटर का जो केस है और जो आईटी से रिलेटेड जो अभी आईटी जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने जो एक आईटी के जो रूल्स निकाले हैं इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस फॉर दी सोशल मीडिया ठीक है उसके लिए जो रूल्स निकाले हैं उसमें जो आर्टिकल नाइन्टीन जो फ्रीडम्स मैंने बताया था राइट टू फ्रीडम्स में आपको सिक्स फ्रीडम्स बताई थी उससे जो है डेफिनेटली क्वेश्चन जो है आर लॉट ऑफ चांसेस दैट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं ठीक है फ्रेंड्स और उसके बाद फ्रेंड्स ये राइट टू जो फ्रीडम वाले हैं इसमें जो नेक्स्ट है जो मैंने आर्टिकल नाइनटीन ट्वेंटी एंड ट्वेंट सॉरी आर्टिकल ट्वेंटी ट्वेंटी वन एंड ट्वेंटी टू य जो मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स इससे भी बहुत से क्वेश्चन जो है आते हैं ठीक है फ्रेंड्स तो लेट अस स्टार्ट विद बेसिक आइडिया प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स वीडियो को मैक्सिमम मैक्सिमम प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें सो दैट आई गेट मोटिवेटेड टू मेक मोर ऑफ सच वीडियोज ठीक है फ्रेंड्स सो आइए स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि फ़ंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं फंडामेंटल राइट्स हैं जो आपके जो आपको ज़िंदगी में जीने के लिए जो विच यू रिक्वायर फंडामेंटली फॉर द योर ऑनर एंड डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट ठीक है जो आपकी ऑनर डिग्निटी और रिस्पेक्ट को एंश्योर करते हैं जो राइट right, वही आपके फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं ठीक है जो आपके कहीं आप जीवन के लिए ठीक है जो भी आपको जीने के लिए अधिकार चाहिए ठीक है एक आपको रिस्पेक्टफुल लाइफ के लिए और वो जो फंडामेंटल राइट्स है आपको फ्रेंड्स एट द मोमेंट यू टेक द बर्थ ऑन दिस अर्थ दैट इज़ इन इंडिया ठीक है इंडिया में जैसे ही आप बर्थ लेते हो वो आपको जो ऑटोमेटिकली वो राइट right जो है आपको मिल जाते हैं अब फ्रेंड्स फंडामेंटल राइट्स को जो है उसमें जो है ये जो राइट्स आपको मिलते हैं फ्रेंड्स इसके साथ ही जो आपको कुछ रिस्ट्रिक्शन मिलती है जैसे आपको आज़ादी है कुछ भी बोलने की ठीक है यू हैव द फ्रीडम टू डू एन एनी थिंग नो स्पीक और एक्सप्रेस एनी थिंग ठीक है जैसे कुछ बोलने या आपको करने की आज़ादी है लेकिन वो जो आज़ादी है आपकी जो है कुछ क्वालिफाइड राइट्स के साथ है क्वालिफाइड जो है कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ आती है ठीक है ऐसा नहीं है कि आप जो है कुछ भी बोल दोगे उसमें जो देश की सुरक्षा ठीक है उसमें सॉब्रिनिटी कोर्ट की कंटेम्पट है उस तरह दूसरे की किसी दूसरे की जो डिफेमेशन है किसी दूसरे के प्रति आप जो बुरा नहीं बोल सकते ये सब चीज़ें जो है उसमें जो आपको रिस्ट्रिक्शन लगाती हैं ठीक है तो इसके लिए क्या करती है फिर गवर्नमेंट्स जो है उन रिस्ट्रिक्शंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट कम्स विद द लॉ ठीक है लॉस ठीक है जिसकी तकली जो अलग अलग एक्ट्स बने होते हैं ठीक है तो एक्ट्स बने जैसे आपको सोशल मीडिया फ्रेंड्स सोशल मीडिया में आपका यूट्यूब है ठीक है फेसबुक है कुछ भी आप सोशल मीडिया में डालते हो या कुछ भी आप बोलते हो तो अगर आपका अगर ये जो किसी की देश की इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी को हार्म करता है या किसी की कोर्ट की कंटेप्ट करता है या किसी की ऑनर एंड डिग्निटी को डाउन करता है तो डेफिनेटली आपको फिर जो आईटी जो एक्ट है जैसे आईटी जो एक्ट है उसके तहत जो है आपको कार्रवाई होगी ठीक है तो अगर अदरवाइज यू आर फ्री टू से और वट आर एक्सप्रेस आप जो किसी भी तरह आप जो अपने लाइफ को चला सकते हैं टिल द टाइम यू आर नॉट इनफ्रिजिंग इन टू द लाइफ ऑफ द अदर्स ठीक है ये जो फंडामेंटल राइट्स का एक आपको मोटे मोटी गाइडलाइंस से पति पता होना चाहिए फ्रेंड्स ठीक है तो इसके लिए जो रिस्ट्रिक्शन के लिए जो रूल्स बने हैं ठीक है तो हर एक जगह जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स है उससे रिलेटेड जो है रूल्स भी बने हैं उसके बाद जो फंडामेंटल राइट्स है इसको जो है एक्सप्रेस किया गया है एक्सप्रेस किया गया है किसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और टाइमली जो कहीं बीच बीच में जो अपनी उनकी जजमेंट्स होती हैं जो केसेस होते हैं उनके बेस पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इसका इंटरप्रिटेशन किया है कि राइट ऑफ लाइफ राइट टू लाइफ में क्या क्या राइट्स आते हैं ठीक है उसी तरह जो राइट ऑफ फ्रीडम एंड राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ये अब जो आर्टिकल 19 के तहत जो आपको सिक्स जो फ्रीडम्स दी गई हैं उसकी जो फ्रीडम्स हैं उन कौन कौन सी फ्रीडम्स हैं और किस किस तरह की हैं ठीक है ये सब जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है तो यही जो है ये सब चीज़ें जो है फ्रेंड्स हम फंडामेंटल राइट्स में पढ़ते हैं ठीक है फ्रेंड्स प्लीज़ अगर आपको थोड़ा मेरा वीडियो में अगर हो सकता है कि मैं फास्ट बोल रहा हूँ या कुछ दूसरे तरीके से बोल रहा हूँ तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर डालें फ्रेंड्स और कमेंट डालने से क्या होगा फ्रेंड्स कि मेरे को पता लगे कि हाउ आई एम गोइंग टू टीच यू या आपको पता नहीं लग रहा है या लग रहा है ठीक है क्योंकि फ्रेंड्स सबकी जो अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है ठीक है उसी तरीके से जो काम करता है ठीक है बट योर सजेशंस एंड योर कमेंट्स विल डेफिनेटली हेल्प हेल्प मी टू इम्प्रूव माई दिस टीचिंग एक्सपीरियंस सो दैट हमारा अल्टीमेटली एम है टू गेट द एग्ज़ाम क्वालिफाई ठीक है तो लेटेस्ट uh, अभी जो आगे है फ्रेंड्स तो हम पढ़ेंगे अभी आज जो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स आर्टिकल 19 का मैंने आपको पढ़ा दिया था आर्टिकल जितने जो राइट टू फ्रीडम्स के अंदर जितने भी आते हैं आर्टिकल 19, 20, 21 वन एंड ट्वेंटी ठीक है तो आर्टिकल 19 के बारे में मैंने आपको फ्रेंड्स पढ़ा दिया कि उसमें जो आपको जो दी गई थी सात जो उसमें राइट्स दिए गए थे लेकिन आफ्टर जो जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको जो है हटा दिया गया और अभी जो हमारे पास सिक्स फ्रीडम्स हैं ठीक है उन सिक्स फ्रीडम्स के बारे में और उनको जो कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शन है और उनसे रिगार्डिंग कौन कौन से लॉज़ हैं रिस्ट्रिक्शंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये सब जो फ्रेंड्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ठीक है तो अभी जो स्टार्ट करें फ्रेंड्स जो हम पढ़ेंगे जो आर्टिकल ट्वेंटी ट्वेंटी वन एंड ट्वेंटी टू ठीक है फ्रेंड्स तो जो आर्टिकल ट्वेंटी ट्वेंटी दैट इज़ प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन एंड फॉर ऑफेंसेस ठीक है फ्रेंड्स जो आर्टिकल ट्वेंटी है आपको जो है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फ्रॉम फॉर ऑफेंसेस ठीक है इट आर्टिकल ट्वेंटी ग्रांट प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू द एक्यूज पर्सन ठीक है कोई भी एक्यूज़ है जिसके ऊपर इल्जाम लगता है या कुछ आरोप लगता है उसको जो है उसके जो कुछ जो है उसके जो उसको कुछ प्रोटेक्शन देता है ठीक है ऐसा नहीं है कि आए कोई भी आपको अरेस्ट करके चला गया ठीक है तो अगर कोई भी आपको अरेस्ट करने के लिए आता है जैसे पुलिस आपको अरेस्ट करने के लिए आती है तो आपको उसको जो ग्राउंड बताना होता है ठीक है तो ये जो आर्टिकल जो जो प्रोटेक्शन्स हैं इट इज़ गिवन अंडर दी आर्टिकल ट्वेंटी ठीक है जो अब आप, आपके पास क्या होता है फ्रेंड्स को स्टेट होता है ठीक है जैसे सरकार होती है ठीक है यह सरकार स्टेट को सरकार सरकार जो है स्टेट का एक पार्ट है ठीक है अगर जो है आपको कुछ भी आप बोलते हैं सरकार के खिलाफ कुछ बोलते हैं ठीक है तो उसमें बताया गया आपको फ्रेंड्स मैंने आपको पहले बताया था डिसेंट एंड सेडिशन डिसेंट क्या होता है कि आप सरकार के खिलाफ कुछ सरकार की पॉलिसीज की आलोचना करते हो तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि ये जो है डिसेंट है ठीक है सेडिशन क्या है आप जो देश के विरुद्ध बोलते हो देश के खिलाफ किसी को भड़काते हो ठीक है कुछ ये करते हो तो ये जो है उसको सेडिशन बोलते हो सेडिशन एंड डिसेंट इज वेरी डिफरेंट ठीक है लेकिन क्या होता है फ्रेंड्स की जनरली क्या होता है आजकल की कुछ अगर आप किसी की आलोचना करते हो कुछ करते हो तो आपके खिलाफ जो है अगर कार्रवाई

ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ठीक है दैट नो पर्सन सेल्फ बी डिफ्राइड ऑफ हिस लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर इस्टैब्लिश्ड बॉय लॉ ठीक है जो भी लॉ के द्वारा प्रोसीजर इस्टैब्लिश्ड इस्टैब्लिश्ड हैं उनको जो है फॉलो किए बिना जो है नो no, कोई भी पर्सन जो है अपनी उसको लिबर्टी और लाइफ से जो है पर्सनल लिबर्टी और लाइफ से जो है इसको डिप्राइव नहीं किया जाता और इसी के बेस फ्रेंड्स देर आर लॉट ऑफ इंटरप्रिटेशन इन सुप्रीम कोर्ट जिसने फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको बताया गया है कि क्या पर्सनल कौन कौन सी चीजें हैं जिनको जो है डिफाइन करते हैं कि कौन सी पर्सनल आपकी जो है जो ये पर्सनल लिबर्टी है और राइट टू लाइफ जो है क्या क्या आता है ठीक है तो राइट टू लाइफ में फ्रेंड्स इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सी चीज़ें जो आपको डिफाइन की हैं पहले जो है मोटा मोटी एक जो है एक आइडिया ले, ले लेते हैं कि आर्टिकल 20, 21, 22 क्या है उसके बाद फ्रेंड्स 22 क्या है आर्टिकल ट्वेंटी टू ग्रैंड प्रोटेक्शन टू पर्सन हु आर अरेस्टेड और डिटेंड ठीक है फ्रेंड्स आप जो कोई भी अगर व्यक्ति है अगर उसको जो है अरेस्ट ar हो जाता है और अरेस्ट ar हो या डिटेन हो जाता है उसके बाद जो क्या प्रोटेक्शन है उसके पास ये जो है चीज़ें आपको बताती हैं ठीक है थीक? पहले तो इसमें तीन चीज़ें फ्रेंड्स आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है कोई भी आदमी है फ्री इंडिविजुअल है ठीक है फ्री इंडिविजुअल है उसकी जो लाइफ एंड लिबर्टी है फ्री पर पर जो पर्सनल लिबर्टी है जो पर्सनल फ्रीडम है पर्सनल फ्रीडम एंड लाइफ है वो जो है उसको को है क्या है उसको कोई भी नो पर उसमें क्या बताया है? कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइड ऑफ हिज लाइफ पर्सनल लिबर्टी ठीक है उसको कोई भी किसी भी व्यक्ति को उसकी आज़ादी और लिबर्टी को आज़ादी पर्सनल लिबर्टी एंड लाइफ ठीक है जीवन के से वंचित नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ठीक है जो भी लॉ के द्वारा जो प्रोसीजर इस्टैब्लिश्ड हैं अगर उनको फॉलो किए बिना किसी भी व्यक्ति को अपनी पर्सनल आज़ादी और जीवन से जो है वंचित नहीं किया जा सकता ठीक है तो इसके लिए और उसके लिए बताया गया है कि अगर आर्टिकल ट्वेंटी टू बताता है कि अगर कोई आदमी अरेस्ट हो जाता है तो उसके लिए क्या क्या प्रोटेक्शन है और उसके बाद फ्रेंड्स आर्टिकल जो ट्वेंटी है वो बताता है आपको कि जो आर्बिट्ररी कोई भी आर्बिट्ररी मतलब अपनी मन मर्जी के मन मर्जी की जो मन मर्जी के मुताबिक जो है कोई भी आपके खिलाफ जो केस अगर या आपको कोई अरेस्ट करता है तो उसके खिलाफ आपके पास क्या प्रोटेक्शंस हैं ठीक है तो दीज आर थ्री आर्टिकल विच एंड श्योर यूज पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी ठीक है फ्रेंड्स तो पहले स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आर्टिकल ट्वेंटी से ठीक है फ्रेंड्स आर्टिकल ट्वेंटी में डिक्लेयर दैट नो पर्सन शैल बी ऑफ हिज ऑफिस ऑफ हिज पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ दिस राइट इज़ अवेल्ड टू प्रो बोथ सॉरीजन एंड नॉन सिटीजन ये जो राइट है फ्रेंड्स ये जो है सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों को कोई भी चाहे फॉरनर आदमी है या कोई कुछ भी है उस सब को जो है ये जो है राइट उपलब्ध है ठीक है और इसी के तहत फ्रेंड्स दिस राइट इज अवेल्ड टू बोथिजन एंड नॉन सिटीजन इन दी फेमस गोपालन केस फ्रेंड्स इसमें जो दो केसेज हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है इसमें आता है पहला जो आता है गोपालन केस जो 1950 में हुआ था ठीक है एक एक गोपालन केस जिसको बोलते हैं और उसके बाद जो मेनका गांधी केस ठीक है मेनका गांधी केस जो हुआ था 1978 में हुआ था फ्रेंड्स उसमें क्या बोलता है कि, कि ये उनकी पासपोर्ट से रिलेटेड था जो उनकी फ्रीडम थी उसके ऊपर जो कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई थी तो इन दोनों केसेस के case से जो है आर्टिकल 21 के बारे में थोड़ा वाइड इंटरप्रिटेशन मिलता है इसमें जो फ्रेंड्स अब दूसरा चाहता है प्रोसीजर इस्टैब्लिश्ड बाय लॉ ठीक है फ्रेंड्स प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ये देखो लाइन ये क्या बोलता है फ्रेंड्स कि जो भी कानून के तहत जो भी प्रोसीजर हैं जो भी प्रोसीजर अगर वो फॉलो होते हैं तो फ्रेंड्स इसका मतलब जो है आपको जो है अरेस्ट किया जा सकता है या आपको जो भी कानून के तहत प्रोसीजर है उसके तहत अगर वो लॉ जो है अगर वो प्रोसीजर फॉलो हुए हैं तो आपको जो है यू कैन बी डिफ्राइड फ्रॉम योर पर्सनल लिबर्टी एंड लाइफ लेकिन 1950 के जो गोपालन केस आया था उसमें जो कोर्ट के सामने केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो ये जो लॉ हुआ है लॉ के तहत अगर पूरे प्रोसीजर फॉलो हुए हैं तो चाहे फिर आप अरेस्ट हुए हों उसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन 1978 में जब मेनका गांधी का केस आया उसमें जो है एक और कॉन्सेप्ट आया दैट इज ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ ठीक है फ्रेंड्स ड्यू प्रोसीजर ऑफ़ लॉ ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ में क्या बोलता है फ्रेंड्स कि क्या जो लॉ बनाया गया है ठीक है ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ जो लॉ बनाया गया है क्या वो जो है वो जो है जो 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 ड्यू प्रोसीजर्स हैं लॉ के इसको फॉलो करता है कि नहीं है ठीक है इसी के बेस में वेदर द लॉ विच एज बीन विच हैज़ बीन मेड इज रीजनेबल फेयर और जस्ट क्या जो लॉ है वो क्या है रीजनेबल है फेयर है और जस्ट है अगर नहीं है तो इट कैन बी स्ट्रक डाउन ठीक है नहीं तो तब तो, तो क्या है जो अगर वो लॉ फिर वो नहीं है तो उसको क्या है उसको स्ट्रक डाउन किया जाता है उसको जो है हटाया जा सकता है क्योंकि ये जो है किसी भी आदमी की पर्सनल लिबर्टी और जो लाइफ है उसको वंचित करता है ठीक है उसमें क्या होता था? है उन्नीस में मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट क्या ओवर रूल इस जजमेंट इन दी गोपालन केस बाय टेकिंग ए वाइडर इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21 इसमें जो आर्टिकल 21 का एक वाइडर जो इंटरप्रिटेशन किया गया देयर फॉर इट रूल दैट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ पर्सन कैन बी डिफ्राइड बाई लॉ प्रोवाइडेड बाई प्रोसीजर प्रिस्क्राइब बाई दैट लॉ इज रीजनेबल फेयर एंड जस्टिस जस्ट ठीक है क्या बताता है कि ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ क्या बताता है कि लॉ दैट इज बींग फॉलोड इज रीजनेबल फेयर एंड जस्ट ओके फ्रेंड्स इन अदर वर्ड इट हैज इंट्रोड्यूस द अमेरिकन एक्सप्रेशन ड्यू प्रोसीजर ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ ठीक है फ्रेंड्स तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ है ये क्या है ये ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है ठीक है जो कि ए के गोपालन केस में इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इट हैज दैट प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल ट्वेंटी वन इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन एंड नोट फ्रॉम आर्बिट्री लेजिस्टिव एक्शन ठीक है आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन होता है तो उसी के लिए प्रोटेक्शन है जबकि आर्बिट्री लेजिस्टिव एक्शन है मतलब कानून जो कानून अपनी मर्जी मन मर्जी से बना गया है तो उसके लिए जो प्रोटेक्शन नहीं है ये जो है इसमें आर्टिकल ट्वेंटी वन में ए के गोपालन केस में बोला था ठीक है फ्रेंड्स लेकिन दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्सप्रेशन प्रोसीजर इस्टैब्लिश्ड बाई लॉ इन आर्टिकल ट्वेंटी विच इज डिफरेंट फ्रॉम दी एक्सप्रेशन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ किसका अमेरिकन कॉन्सेप्ट है और प्रोसीजर इस्टैब्लिश्ड बाई लॉ इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रिटिश कॉन्सेप्ट ठीक है और उसके बाद हेज द वेलिटी ऑफ लॉ दैट हैज प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर कैन नॉट बी क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड दैट द लॉ इज अनरिजनेबल अनफेयर और अनजस्ट सेकंडली द सुप्रीम कोर्ट हैज दैट पर्सनल लिबर्टी मीन्स ओनली लिबर्टी रिलेटिंग टू अ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल

ठीक है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया कि आर्टिकल 21 में राइट टू जो लाइफ है ये केवल ये नहीं बताता है कि नॉट कन्फाइंड टू द कि आपको एक जो जैसे आप जो पशु पक्षी होते हैं उसकी तरह जीवन जियो जीव, एग्जिस्टेंस ये बोला कन्फर्म ये क्या बोलता वर्ड देखो एनिमल एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल और ऐसा नहीं कि आप जी रहे हो ठीक है उसी के लिए नहीं है बट इट इंक्लूड विद इन इट्स एमबिट लेकिन ये अपने जो एम्बिट के अंदर अपने दायरे के अंदर जो है क्या क्या इंक्लूड करता है द राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी ठीक है ती जो आपको एक जो है ह्यूमन डिग्निटी के साथ डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार एंड ऑल दोज एस्पेक्ट ऑफ लाइफ और वो सभी जो लाइफ के वो एक्सेप्ट एस्पेक्ट्स जो विच गोज टू मेक अ मैन लाइफ मीनिंगफुल कम्प्लीट एंड वर्थ लिविंग ठीक है जो एक मनुष्य के जीवन को मीनिंगफुल ठीक है कम्प्लीट और वर्थ लिविंग बनाते हैं दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द एम्बेट ऑफ द राइट टू लाइफ ठीक है फ्रेंड्स इट also रूल दैट एक्सप्रेशन पर्सनल liberty इन आर्टिकल ट्वेंटी वन इज़ द वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड एंड इट it इट कवर्स it variety of ऑफ राइट एंड दैट गोज़ टू the द पर्सनल of ऑफ मैन फ्रेंड्स ये जो मैंने आपको वर्ड बताए ये जो लक्ष्मीकांत में क्लियरली लिखे हुए हैं एम लक्ष्मीकांत की जो इंडियन पोलिटी की बुक है प्लीज़ आप जो जब मैं आपको ये बता रहा हूँ उसके बाद जो आप लक्ष्मीकांत की बुक खोलिए डेफिनेटली ये जो आर्टिकल है आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा ठीक है फिर आपको फंडामेंटल राइट्स को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट हैज़ रीफर्म इस जजमेंट इन मेनका केस इन सब्सिक्वेंट केस एंड इन इन सब्सिक्वेंट केसेस मेनका गांधी केस उसके बाद जो सब्सिक्वेंटेड केसेस जो सुप्रीम कोर्ट के पास आए उसमें क्या बोला हुआ इट एज फॉलोइंग राइट एज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 इसमें जो पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 के फ्रेंड से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पार्ट आर्टिकल ट्वेंटी हैज़ वाइड एम्पलीट्यूड प्लीज़ एक्सप्लेन ठीक है इसमें आर्टिकल ट्वेंटी वन राइट टू लाइफ इज नॉट मेयर लिविंग लाइक ए एनिमल और ह्यूमन एग्जिस्टेंस ठीक है बट इट कैरीज अ लॉट ऑफ वाइडर एम्प्लीकेशन प्लीज़ एक्सप्लेन ये करके ऐसा करके क्वेश्चन जो है यू पी एस सी में भी आता है फ्रेंड स्टेट पी सी एस में भी आता है तो आपको जो है फ्रेंड्स उसमें कौन कौन से दिए तब जो मैंने ये चीज़ें आपको बताई कि जो है आर्टिकल ट्वेंटी जो ट्वेंटी वन जो प्रोटेक्ट करता है ये आपको बता, क्या बताया पर्सनल सेल्फी सेल, भी, सेल सन सेल्फ बी डिफ्राइड ऑफ हज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाई लॉ बट इन दी गोपालन केस जो है, है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाई लॉ ठीक है इसमें क्या करता है कि इसमें कोर्ट ने इंटरप्रेट किया था कि आपको की कोर्ट डज नॉट जो आपको देता है राइट टू लाइफ जो आर्टिकल ट्वेंटी वन आपको प्रोटेक्ट करता है आर्बिट्री एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव आर्बिटरी एक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव से आपको प्रोटेक्ट नहीं करता है लेकिन मेनका गांधी केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने इसका बहुत अच्छी तरह इंटरप्रिटेशन किया और उसमें यह बताया गया कि आपका जो मेयर जो आर्टिकल ट्वेंटी वन है आपको जो इट डज नॉट एंश्योर योर मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस एंड जस्ट ह्यूमन ये वो ये आपको मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस और लिविंग जो है ये आपको एन्श्योर नहीं करता है बट इन एन्श्योर यू लिविंग विद डिग्निटी रिस्पेक्ट एंड ऑल दैट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ विच गोज़ टू मेक अ मैंस लाइफ मीनिंगफुल कंप्लीट एंड वर्थ लिविंग ठीक है अगर ये आप लिखते हो फ्रेंड्स तो डेफिनेटली यू विल गेट मैक्सिमम ऑफ द मार्क्स ठीक है उसके बाद फ्रेंड्स द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिफर्म्ड इन एस जजमेंट ठीक है इसमें बहुत क्या क्या बताया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने रीअफॉर्म किया है अपनी जो जजमेंट थी मेनका गांधी केस और उसके बाद की जो अलग अलग केसेज उनके पास आए तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि इट हैज़ डिक्लेयर द फॉलोइंग राइट्स एज पार्ट ऑफ आर्टिकल ट्वेंटी वन उसमें क्या राइट टू लीव विद ह्यूमन डिग्निटी राइट टू डिसेंट एनवायरमेंट इंक्लूडिंग पोल्यूशन फ्री वाटर एयर प्रोटेक्शन अजाड़स इंडस्ट्रीज उसके बाद राइट टू लेवलीहुड राइट टू प्राइवेसी राइट टू सेल्टर राइट टू हेल्थ इसमें फ्रेंड्स देर आर लोट ऑफ राइट ठीक है राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू फोर्टीन ईयर ऑफ एज जिसके तहत फ्रेंड्स आर्टिकल ट्वेंटी वन ए जो है फिर जो है हमारा जो बनाया गया था राइट टू एजुकेशन वो जो है लाया गया ठीक है फ्रेंड्स आर्टिकल ट्वेंटी वन ए ठीक है राइट टू फ्री एंड लीगल एड ठीक है आपको अगर आप आप जो है फ्रेंड्स आपको कोई अरेस्ट करता है अरेस्ट करने के बाद जो है अगर आपके पास वकील को पैसे नहीं है देने के लिए लॉयर को एडवोकेट को तो गोमेंट जो है आपको जो है एड दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा ही यू कैन मेक एप्लीकेशन फॉर दी लॉयर ठीक है तो आपको वकील दिया जाएगा ठीक है राइट अगेंस्ट सोल्ट्री कन्फाइनमेंट ठीक है अगर आपको कहीं भी सोल्ट्री कन्फाइन किया जाता है तो उसके पास आपकी राइट हैंड राइट टू स्पीडी ट्रायल राइट अगेंस्ट हैंड कपिंग ठीक है आपको हथखड़ी कब कब लगाई जाती है कैसे लगाई जाती है वो भी राइट अगेंस्ट हैंड कपिंग राइट अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट अगर आपके साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया जाता है ठीक है फ्रेंड्स राइट अगेंस्ट डिलेड एक्सक्यूजन अगर आपको डिले एक्जीक्यूट कोई भी एक्जीक्यूशन में डिले किया जाता है ठीक है राइट टू ट्रेवल एब्रो राइट अगेंस्ट बॉन्डी Labor right against custodial harassment, right to emergency medical aid, right to timely medical treatment in government hospital, right not to be driven out of state, right to fair trial. राइट टू प्रिजनर टू हैव नेसेसिटी ऑफ लाइफ राइट ऑफ वुमेन टू बी ट्रीटेड विथ डिसेंसी एंड डिग्निटी राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंंगिंग राइट टू हियरिंग राइट टू इंफॉर्मेशन राइट टू रेपटेशन फ्रेंड्स देख लो कितने से आप देखो राइट टू इन्फॉर्मेशन है एक फ्रेंड्स राइट टू लाइफ के अंदर आता है ठीक है राइट टू लाइफ के अंदर ठीक है राइट टू राइट टू लाइफ एंड फ्रीडम के अंदर ठीक है तो देयर इज लॉट ऑफ राइट इंप्लीकेशन आउट ऑफ दैट ठीक है फ्रेंड्स तो so, ये बताता है अब उसके बाद फ्रेंड्स जो इसको सो आर्टिकल ट्वेंटी है ट्वेंटी वन है उसको कौन से प्रोटेक्ट कर रहे हैं राइट दे आर प्रोटेक्टिंग द राइट इज राइट ट्वेंटी आर्टिकल ट्वेंटी ठीक है आर्टिकल right? right right, ट्वेंटी में क्या बताया है कि इट ग्रेंट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन एक्यूज़ वेदर सिटीजन ऑफ फॉरनर और लीगल पर्सन इसमें क्या बोलता है कि जो कोई भी आपको आर्बिट्रेरी जो एक्शंस हैं या आर्बिट्रेरी एक्सेसिव पनिशमेंट है उससे आपको जो है सेव करता है और ये जो राइट है फ्रेंड्स ये सिटीजन नॉन सिटीजन और लीगल पर्सन लीगल पर्सन हो गए जैसे कोई कंपनी है कॉरपोरेशन है इन सब को जो है ये जो है राइट्स अवेलेबल है ठीक है और इसमें क्या बोलते हैं इसमें जो मेनली जो तीन प्रोविजन है फ्रेंड्स तीन प्रोविजन क्या है नो एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ नो एक्सपेक्ट नो पोस्ट नो एक्सपो एक्स होना था एक्स नो एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ ठीक है इसका क्या मतलब हुआ कि नो पर्सन सेल भी कन्विक्टेड ऑफ़ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायोलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट फ्रेंड अगर किसी किसी ने कोई अपराध किया है और उस अपराध की जो अपराध के अंगेंस्ट में जो कानून में जो सजा है उसको वही सजा दी जा सकती है ऐसा नहीं है कि उसको जो अपराध कर लिया उसके बाद जो है कानून बनाया और उसको जो सजा उस कानून के तहत सजा मिल गई नहीं जो उसने अपराध किया है उसको उस कानून के तहत ही सजा मिलेगी जो उस टाइम प्रेवलेंट है ऐसा नहीं है कि बाद में कोई कानून बना और उसके खिलाफ जो है पहले जो अपराध किए गए उसकी सजा मिलती इसको बोलते हैं नो पोस्ट फैक्टो लॉ ठीक है इट मीन्स नो पर्सन सेल बी कन्विक्टेड ऑफ़ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर ए वॉयलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट इसमें क्या है फ्रेंड्स ये जो ओनली प्रोटेक्शन है ओनली क्रिमिनल लॉ के अगेंस्ट में ही है अगर जैसे दूसरे हो गए जैसे लॉ लॉ टैक्स हो गए ये 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 सब जो 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 है ये, ये जो है ये जो है जो है इसमें पोस्ट फैक्टो नहीं है इसमें जो, आप, जो, है, आप, जो है, आप कोई भी लॉ जो है आप ऐसा बना सकते हैं जैसे टैक्स लॉ और रेवेन्यू लॉ जो आपको पीछे से जो है आपको उनको जो पोस्ट फैक्टो जो है अप्रूवल दिया जा सकता है ठीक है फ्रेंड्स इसमें क्या सब्जेक्टेड टू अ पेनल्टी ग्रेटर दैन द प्रिस्क्राइड बाई लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ मिशन ऑफ द एक्ट ऐसा नहीं है कि उस टाइम जो अपराध की जो सजा थी उससे ज़्यादा आपको सजा मिलेगी ठीक है ऐसा भी नहीं है ठीक है फ्रेंड्स उसके बाद क्या नो डबल जियो पार डी नो डबल जियो पार्डी फ्रेंड्स ऐसा है नो पर्सन सेल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस अगर किसी ने एक ऑफेंस किया हुआ है फ्रेंड्स वह ऐसा नहीं है कि उसी ऑफेंस की सजा उसको दो बार मिलेगी और ये जो फ्रेंड्स ये जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है या कुछ जो आपकी जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अगर आप किसी विभाग में है तो उसके उसमें खिलाफ जो ये प्रोटेक्शन आपको अवेलेबल नहीं है ठीक है नो no डबल जो पार्टी का मतलब नो पर्सन सेल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर सेम ऑफेंस मोर देन वंस ठीक है और उसके बाद फ्रेंड्स ये है कि ऐसा नहीं उसमें ऐसा है कि एक बार किसी बंदे को किसी व्यक्ति को उसी गुनाह के लिए सज़ा मिल गई या सज़ा मिल गई तो दोबारा उसको सजा नहीं मिलेगी और एक बार उसको अगर एक बार जो उसको कन्विक्ट को अगर आपको जो कन्विक्ट को अगर छोड़ दिया गया तो फिर उसको ऐसा नहीं कि बार बार फिर से उसको कन्विक्ट बनाया जाएगा ये जो उसको डबल जो पार्टी बोला जाता है ठीक है उसके बाद ऑर्डर फॉइस और ऑर्डर कन्विक्ट करके एक जो कॉन्सेप्ट आता है वो भी आप जो पढ़ लेना इसी में ही हो नो डबल जी पार्टी में आता है वंस वंस कन्विक्टड विल नॉट बी कन्विक्टड वंस अगेन ठीक है और वंस पनिश विल नॉट बी पनिश्ड वन सगेंड ठीक है ये जो है फेस और फेस कन्विक्ट और फेस ऑटरफे फेस कन्विक्ट में ये जो आता है ठीक है उसके बाद फ्रेंड्स ये थर्ड जो आता है नो सेल्फ इंक्रीमेंट इनक्रिमिनेशन इसका मतलब नो पर्सन एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस सेल्फ बी कंपेल्ड टू बी ए बिटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ ठीक है नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स की ये कोई भी व्यक्ति है वो accused इज एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस सेल्फ बी कम्पलीटेड टू बी a अगेंस्ट against himself ऐसा नहीं वो अपने खिलाफ जो है कोई भी उसको जो है लिखित जैसे आपको पुलिस जो है आपको डंडा मार के या कुछ करके आपको स्टेटमेंट लिखवाती है कोर्ट में जो है फ्रेंड्स दैट इज़ नॉट अंटिल अन एंडिल एंड अनलेस आप जो है कोर्ट के सामने वो जो है अपना जो है कबूल नहीं करते हो गुनाह कबूल नहीं करते हो ठीक है ऐसा नहीं है कि पुलिस आपको कोई थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट दे दे या कुछ टॉर्चर कर ले और वो आप वहाँ पे जो है वो स्टेटमेंट लिख दे और वहीं पे आप जो फिर आ, वो कोर्ट में वो पेश की जाए स्टेटमेंट तो इट इज़ नॉट वैलिड ये बोल रहा है इसका ठीक है नो सेल्फ इंक्लूजन और उसको जो बाहर अपने खिलाफ ही गवा देने के लिए आपको राजी नहीं किया जाता ठीक है एन नेक्स्ट पोस्ट ये जो फ्रेंड्स इसमें बताया गया है ठीक है फ्रेंड्स प्रोटेस्ट द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जी ओ पार्टी इज अवेलेबल ऑनली टू प्रोसीडिंग बिफर ए कोर्ट ऑफ लॉ और ए जुडिशियल ट्रिब्यूनल इन अदर इट इज़ नॉट अवेलेबल इन प्रोसीडिंग बिफोर डिपार्टमेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एज दे आर नॉट जुडिशियल नेचर ठीक है डिपार्टमेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं उनके जो फ्रेंड्स ये जो आपको डबल जी ओ पार्टी वाला प्रोटेक्शन है ये जो है वहाँ पर अवेलेबल नहीं है ठीक है क्योंकि दे आर नॉट द जुडिशियल दे आर नॉट ऑफ द जुडिशियल नेचर उसके बाद फ्रेंड्स द प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन एक्सटेंड टू बहुत औरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हाउ एवर ये जो फ्रेंड जो आपको बता जो सेल्फ इंक्रमिनेशन वाला है अगर आप जैसे औरल एविडेंस है या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है आपसे कोई औरल जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा ली या आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है अगर वो जो है ये सब आपको लिखवा लिया तो ये सब जो है आपकी कोर्ट में नहीं चलेंगी ठीक है फ्रेंड हाउ एवर इट नोट डज नाट एक्सप्लेंट टू ये जो है कंपलसरी प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट आपको जो है जैसे जो कुछ डॉक्यूमेंट आपके जो है प्रोड्यूस कर दिए जो कुछ रिलेटेड है केस से रिलेटेड कंपल्सन टू गिव थंब इंप्रेशन ठीक है उसके बाद आपको जो है जैसे उंगलियों के निशान लेने हैं आपके स्पेसिमेन सिग्नेचर लेने हैं ब्लड स्पेसिमेन लेने हैं इन सब के लिए फ्रेंड्स ये जो है आपको जो है आपको पुलिस जो है आपको पुलिस जो, जो है आप इन्वेस्टिगेशन में आपको दे स, देना पड़ेंगे ठीक है आपको जो अगर आपको बोलते हैं फिंगर प्रिंट्स हो गए जैसे थंब इम्प्रेशन जिसको बोलते हैं फंग फिंगर प्रिंट्स ठीक है स्पेसिमेन सिग्नेचर ठीक है आपको कुछ जो है सिग्नेचर्स जो आपके लाइक यू नो करने सिग्नेचर करके आपको वेरीफाई करना है अगर आपने कुछ फ्रॉड किया है कुछ ये किया ठीक है ब्लड स्पेसिमैन है ठीक है अगर आपने कुछ पड़ा गुना किया अगर आपको ब्लड सैंपलिंग देना है ब्लड सैंपल वगैरह पुलिस लेती है तो वो जो है वो जो है वो जो वैलिड होंगे ठीक है अपार्ट फ्रॉम कंपल्सरी एग्जीबिशन ऑफ बॉडी फर्दर इट एक्सटेंड ओनली टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग एंड नॉट टू सिविल प्रोसीडिंग प्रोसीडिंग विच आर नॉट क्रिमिनल नेचर ठीक है और उसके बाद ये सब जो है उसके बाद फ्रेंड्स इसको कुछ अलग प्रोटेक्शन दी गई हैं ठीक है ये जो प्रोटेक्शन है आपको दी गई जैसे आपको बताया गया कि फिंगर प्रिंटिंग और अगर आप फिंगर प्रिंटिंग है ठीक है स्पेसमैन सिग्नेचर ब्लड सैंपल है इसको अगर आप पुलिस देने को बोलते हो और आप मना करते हो दैट इज मीन यू आर नॉट कॉपरेटिंग विद प पुलिस ये आपको देने पड़ेंगे इट इज़ नॉट आपको प्रोटेक्शन नहीं देता है आर्टिकल ट्वेंटी लेकिन वहीं पे आपकी जो कुछ बोलते हैं जैसे ब्रेन मैपिंग हो ब्रेन स्कैनिंग हो गया ठीक है और नारकोटिक टेस्ट हो गया इन सब में अगर आपको पुलिस ये देने के लिए बोल बोला जाता है तो ये जो आप जो मना कर सकते हैं ये इसके खिलाफ जो आपको आर्टिकल ट्वेंटी में प्रोटेक्शन हैं ठीक है फ्रेंड्स उसके बाद फ्रेंड्स आर्टिकल ट्वेंटी मैंने आपको बता दिया उसके बाद अभी आएंगे आर्टिकल ट्वेंटी टू में ठीक है आर्टिकल ट्वेंटी टू क्या करता है फ्रेंड्स ये जो है आपको बहुत एक वाइडर इंप्लीकेशन है आर्टिकल ट्वेंटी टू ग्रेंड प्रोटेक्शन द पर्सनल हु आर अरेस्टेड और डिटेन ठीक है फ्रेंड्स जो आर्टिकल ट्वेंटी टू है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन ठीक है जो कोई आदमी है कोई व्यक्ति है जिसको जो है अगर, अगर अरेस्ट कर दिया उसके बाद जो है आपको क्या क्या, क्या प्रोटेक्शन देता है डिटेंशन इज टू टाइप याप नेमलीटिव एंड प्रिवेंटिव ठीक है उसमें क्या है फ्रेंड्स कोई भी व्यक्ति को डिटेन किया जाता है तो वो क्या होता है प्यूनिटिव होता है प्रिवेंटिव होता है प्यूनिटिव मतलब अगर आप एक्विट हो गए हैं आप सॉरी ये आप जो कन्विक्ट हो गए हैं उसके बाद जो है आपको जो है उसको पनिशमेंट के तौर पे आपको जो है प्यूनिटिव डिटेंशन दी जाएगी और प्रिवेंटिव होता है यू आर प्रिवेंट उसमें क्या है जी आप कोई गुनाह कर सकते हैं इन फ्यूचर उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको जो प्रिवेंटिव डिटेंशन दी जाती है फ्रेंड्स ठीक है preventive descends. On the other hand, detention of a person without trial and conviction by a court is called preventive detention. Or punitive is to punish a person for an offence committed by him. Theke? Its purpose is not to punish a person for a past offence but to prevent him from committing an offence in the near future. This preventive detention. Me. Thus preventive descends, de, detention is only a precaution measure precautionary measure and based on सस्पिशन अगर आप किसी के ऊपर शक होता है कि ये जो है आगे जो फ्यूचर में कुछ कर सकता है तो उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन की जाती है जैसे आपको पता है फ्रेंड्स अभी रिसेंटली जे एंड के में जब धारा 370 सौ हटाई गई थी तो बहुत से लीडर्स को जो वहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर रखा गया था दी आर्टिकल 22 टू हेज टू पार्ट द फर्स्ट पार्ट डील विद द केसज ऑफ ऑर्डनरी लॉ एंड सेकेंड पार्ट डील विद द केसिस ऑफ प्रिवेंटिंग डिटेंशन लॉ ठीक है जो फर्स्ट इसमें दो पार्ट्स हैं जो फर्स्ट पार्ट है वो करता है तो ये बताता है कि ऑर्डनरी लॉ जो जो लॉ बनाए गए हैं उनके रिलेटेड जो केसेस है उसको डील करने के लिए और सेकंड जो है जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए जो लॉ बनाए गए हैं उसको डील करने के लिए बनाए गए हैं द फर्स्ट पार्ट ऑफ आर्टिकल ट्वेंटी टू कन्फॉर द फॉलोइंग राइट्स ऑन द पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेंड कोई भी व्यक्ति अगर आर्टिकल ट्वेंटी टू के पार्ट वन के तहत जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत उसको अरेस्ट किया गया है तो उसको क्या 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 right है राइट हैं दैट इज़ राइट टू बी इंफॉर्मड और ग्राउंड ऑफ द अरेस्ट उसको जो है उसको कौन से आधार पे उसको जो अरेस्ट किया जाएगा उसको जो है बताया जाएगा राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय ए लीगल प्रैक्टिशनर उसके बाद जो है वो लीगल जो है अपनी एड के लिए वो जो है उसको राइट है उसके बाद राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर मैजिस्ट्रेट विद इन ट्वेंटी फोर आवर एक्सक्लूडिंग द जर्नी अरेस्ट करने के बाद से लेके ट्वेंटी फोर आवर्स के अंदर उसको मैजिस्ट्रेट के अंदर मैजिस्ट्रेट के पास आपको प्रोड्यूस करना पड़े पड़ता है ठीक है दैट राइट टू प्रोड्यूस बिफोर मैजिस्ट्रेट विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम उसके बाद फोर्थ क्या राइट है राइट टू बी रिलीज आफ्टर ट्वेंटी फोर आवर्स अनलेस द मैजिस्ट्रेट अथॉरिटी फर्दर डिटेंशन अगर मैजिस्ट्रेट जो है आगे कोई डिटेंशन के लिए नहीं बोलता है तो आपको तो जो है उसको एक्व को फिर जो है उसको छोड़ना होता है ठीक है दी सेफ गार्ड आर नॉट अवेलेबल टू अलियन और अ पर्सन अरेस्टेड और डिटेन अंडर ए प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ उसी तरह ये जो लॉज ये जो सेफ गार्ड है फ्रेंड दे आर नॉट अवेलेबल टू एलियन और पर्सन अरेस्टेड और डिटेंड अंडर अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो रूल दैट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ पोट ट्वेंटी डज नॉट कवर अरेस्ट अंडर order ऑर्डर ऑफ ए कोर्ट तो फ्रेंड्स ये जो है रिलेटेड आप जो इसको डिटेल में फ्रेंड्स आप लक्ष्मीकांत की बुक में भी पढ़ सकते हैं बट एग्जाम में फ्रेंड्स अगर ये कहीं पर भी आएगा आपको तो डेफिनेटली अगर आप इतना लिखोगे यू विल फैच गुड मार्क्स फ्रेंड्स आई थिंक दिस मच इज आई एन फॉर फोर टू डेज ठीक है आगे हम पढ़ेंगे फिर जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन दैट इज आर्टिकल ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर एंड ट्वेंटी फाइव ठीक है friends? तो ये जो हम ट्वेंटी थ्री ये पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर में आगे वाले लेक्चर में मेरा आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स वीडियो को मैक्सिमम लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें सो दैट आई कैन मेक मोर ऑफ सच वीडियोज़ फॉर यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच